देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवार उन्होंने नामांकन की शुभकामनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए वो अपना आवाज जो है बुलंद करते रहेंगे। और किसी की बात है कि 5 में से जो 3 महिलाएं जो है 5 में से 3 महिलाएं जो है उम्मीदवार बनाई गई, और शुभकामनाएं। माइक बताइए, माइक बताइए आप लोग। अरे भाई माइक लेकिन आना चाहे तो स्वागत करेंगे, आना चाहे तो समय बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है, जहाँ तक भाजपा की बात है आप सब लोग जान रहे हैं, एक बार नहीं संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भैया। धक्का नहीं, इस हिसाब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको जो है लगातार हाईजैक करने का प्रयास जो है भाजपा के द्वारा किया गया है। बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है, बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है, बीजेपी कर रही है। होम बोल तो जाहिर सी बात, हम लोगों का जो नारा है वो यही है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय ये सबको मिलता रहे। और जिस तरह से पूरे देश में एक लहर चल रही है कि भारत को बहुरंगी से एक रंगी बनाना है, उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारत बहुरंगी था, बहुरंगी रहेगा। ये लोग जिस तरह की मंशा लेके चल रहे हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की बात करते हैं, इनके खिलाफ मोर्चाबंदी होगी, इनके खिलाफ जम करके लड़ाई होगी। और भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा देंगे। माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे? देखिए, माइनॉरिटी के लिए एक बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूँगी, जिस तरह से आज हम लोगों को, मुझे और बारी सिद्दीकी साहब को, दो लोगों को दिया गया, इससे हमारी पार्टी ने कम से कम ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ तक अल्पसंख्यकों का सवाल है उस पर राजद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। मेरे हद से जो भी संभव होगा अकलियत के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो भी होगा मैं पहले भी करता आया हूँ और आगे भी करूँगा।